बनाया जाता है, उसको हम समझा रहे हैं। सर मतलब एक सेंटर लाइन एक लाइन खींची, इसके बाद इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। आप यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी मोटाई और पिन का जो मोटाई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम अगर इतना मोटा बॉल पिन बॉल जो है इसी के नाम पे बॉल पिन पड़ा इसके बाद क्या करना है यहाँ पे डाली का मतलब है कि आप जो मीटर होता है एक ही साइड का मीटर को वो प्लेस कर करके एमिट कर करके इसको काम करके इसको चाप दिया जाता है। आप यहाँ से आप एक लाइन ये ड्रॉ किया और कितना सेंटर से ऊपर तो एक सेंटर से नीचे एक लाइन हल्का पहले ड्रॉ करें, ये काम पहले हल्का करेंगे। आप ये देखिए कि ये जो सेंटर है यहाँ पे आई प्रो होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें कि इसका हैमर का हैंडल डालते हैं तो वो यह आई प्रो होता है। जितना आप इधर छोड़े हैं उतना ही इधर छोड़ करके फिर आप ये से पता बनाते हैं दोनों साइड से, फिर हम इसको फेस फेस देते हैं ये फेस को खींच लिया। आप देखिए यहाँ पे हम इलिप्स बनाते हैं इलिप्टिकल शेप से, और यही शेप इलिप्टिकल यहाँ पे दे देते, ठीक है, यानी ये पर ये परसेंट हो गया हमारा फेस। और यहाँ पर से देखिए इस आई होल के पास से यहाँ पे स्केल रखेंगे और इतना यहाँ थोड़ा यहाँ अधिक करके दोनों साइड बना होता है और एक स्केल यहाँ रखेंगे जहाँ से खींच देंगे यहाँ से हम खींच देंगे मेंबर पे इस होल को, फिर इस आई होल के पास स्केल रखेंगे जहाँ खींच इसमें नहीं ओवरलैप करेंगे जो हमारा हो गया उसको हम डार रख लेते हैं। ये पोर्शन क्योंकि ये कर्व किया हुआ इसलिए हमें थोड़ा सा सेडिंग कर ये पोर्शन पे है। यहाँ पे हम इसमें कंपनी का नाम लिखते हैं जैसे टाटा बनाती है टाटा लिख देंगे यहाँ, और बेसिकली जो हैमर बनता है ना वो उसका वजन जो होता है पाउंड किलो में होता है पाउंड में पाउंड, ठीक है, तो पाउंड में होता है इसको हम पाउंड यहाँ पे पाउंड का सॉफ्ट पाउंड होता है जैसे कि हम 2 MPS को पाउंड कर रहे हैं या एसपॉल में भी लिख सकते हैं एमपीएस एल ई एस, ठीक है। इतना करने के बाद आप हम इसको सेटिंग कर देते हैं, अब ये देखिए थोड़ा सा बॉल का साइज रखकर छोटा हो गया इसके तुलना में तो इसको सेम साइज में कर लेंगे। अब यहाँ भी थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं जैसे भी सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग इसलिए करते हैं कि वो उसका लुक अच्छा लगने लगता है। ये फेस है फेस को भी हम सेटिंग कर सकते हैं,
ये शेडिंग करने से धातु का चमक दिखाता है, जहां पे धातु चमकता है वहां पे इसे पॉइंट दिखता है, तो चमक को भी दर्शाता है। इस हैंडल में इसने लकड़ी का सर्पल बताया था, एक अपने करो। अब यहाँ पे लकड़ी का डिजाइन करो, ये फेस हो गया, ये आई होल का रहता है, इसको कहते हैं आई होल। ये आई होल हो गया, ये हो गया बॉल के। ये बॉल पिन हो गया और ये हैंड पिन हो गया। इस प्रकार हम मोबाइल पर तैयार करते हैं, ठीक है। और बनाने का ठीक समझ आ गया कि कैसे बनाना है, ठीक है। और जहां शेडिंग करना हो शेडिंग भी कर लेंगे। आसान तरीका से आप किस प्रकार कैमरा को बनाते हैं और देखने में खूबसूरत लगे, इसका कोशिश करना चाहिए कि हमारा कैमरा बना रहे वो देखने में लगे कि हाँ कैमरा है, ठीक है। हैंडल बड़ा रखना है इसके तुलना में, इसको लकड़ी का डिजाइन करते हैं तो लकड़ी दिखने लग रहा है, लकड़ी है ना। चलो ठीक है।